अस्सलाम वालेकुम। चलो आज बनाते हैं मैंगो कस्टर्ड। मैंगो के डिनर स्टार्ट हो गए हैं। मैंगो कस्टर्ड बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इस रमज़ान इफ्तार स्पेशल मैंगो कस्टर्ड बनाते हैं। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। दो मैंगो को लिया है मैंने, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, इस तरीके से पेस्ट बना लें इसका। अब उसके बाद चढ़ाते हैं एक भगोने में दूध। आधा लीटर दूध लिया है मैंने, उसको ऐड करते हैं, उबालने के लिए रखते हैं जब तक हम कस्टर्ड बना लेते हैं। आधा लीटर दूध के लिए 2 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने, वनीला कस्टर्ड है ये। अब जो गर्म करने के लिए रखा था ना वो दूध, वह उसी को ही ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा ही गर्म था, अच्छे से मिक्स कर ले, लम्स ना बने। इस तरीके से पेस्ट बना कर रख लें। ये देखिए उबाल आ चुका है हमारा दूध। अब उसमें शुगर ऐड करेंगे 1 कप। शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, आपके टेस्ट अकॉर्डिंग। उसके बाद इलायची पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में, इलायची को भी शुगर को भी। 1-5 मिनट पका लेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। पाँच मिनट हमारे हो गए हैं। अब उसमें ऐड करते हैं कस्टर्ड पेस्ट। गैस का फ्लेम पूरा मीडियम रखें, फुल आंच पर कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे ना तो पूरे लम्स बन जाएंगे। गैस को मीडियम ही कर दें। इसके बाद ऐड करें कस्टर्ड पेस्ट। मिलाने के बाद 5 मिनट कुक कर लें इस तरीके से। ऐसा चेक करके देखें, पूरा परफेक्ट बना है। अब इसको ठंडे के लिए रख देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्रिज में रखा था मैंने ठंडे के लिए, ये ठंडा हो चुका है हमारा कस्टर्ड। अब उसमें ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने पीस के रखा था, सारा उसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐड करके, दोनों एक ना हो जाए जब तक मिक्स करना है इसे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर ले, रेडी हो चुका है हमारा मैंगो कस्टर्ड। है ना इजी। अब इसको सर्व करेंगे। इस तरीके से ऐड करें आप ठंडा ठंडा मैंगो कस्टर्ड। अब उसमें ऐड करेंगे थोड़ा मैंगो क्यूब्स, फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। कितना मज़ेदार दिख रहा है ना, दिखने में कितना खूबसूरत भी दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था मैंगो कस्टर्ड। ज़रूर ट्राई करना इस रमज़ान इफ्तार स्पेशल मैंगो सीज़न में।